गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अब बताने वाला हूं कि अगर आपने GSTR 3B की रिटर्न्स फाइल नहीं करी है तो गवर्नमेंट अब CBIC अब GST पोर्टल के अंदर क्या एक्शन ले रही है, वो किस तरीके से आपका असेसमेंट जो है वो करके आपको ऑर्डर भेजा जा रहा है DRC 07 के अंदर। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप भी अगर GST रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो इस चीज का अब आपको सामना करना पड़ सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जैसे अगर आप GSTR 3B की फाइलिंग नहीं करते हैं तो क्या प्रोसीडिंग आपके सामने अब इनिशिएट किए जाने वाली है, GST पोर्टल के अंदर किस तरीके से नोटिसेस और ऑर्डर्स आपको इशू किए जाएंगे। ये मैंने ओपन किया हुआ है GST पोर्टल। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो GST की रिटर्न्स है वो पिछले 6 महीने से ज्यादा की फाइल नहीं हुई है, मतलब 6 महीने की GST रिटर्न इस पर्टिकुलर GST नंबर पे फाइल नहीं किया गया है। अक्टूबर 2018 से GST रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूं सर्विसेज टैब में चल के, जो हमारे पास यूजर सर्विसेज है उसमें हमारे पास व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स का एक सेक्शन आपको दिखता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो है सारा कम्युनिकेशन जो है किया गया है SSC के साथ। सबसे पहला कम्युनिकेशन किया गया है 7 अगस्त 2019 को, जिसका रिप्लाई देने का ड्यू डेट था 20 अगस्त 2019। ये किस चीज का कम्युनिकेशन है? ये सबसे पहला कम्युनिकेशन आया सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट मींस अगर आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न्स को फाइल नहीं करेंगे तो सबसे पहले GST पोर्टल पे GST डिपार्टमेंट के द्वारा आपको एक SCN सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस बताया इशू किया जाएगा कि आपका GST रिटर्न क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। मैं आपको दिखाता हूं इस सो कॉज नोटिस के अंदर क्या चीजें दी गई हैं। यहां बताया गया है वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच हैज कम टू माय नोटिस इट अपीयर्स दैट योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इस रीजन की वजह से आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है वो लायबल है कैंसिल होने के लिए। क्या रीजन यहां पे दिया गया? एनी टैक्स पेयर अदर देन द कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months। मतलब अगर आपने कंटिन्यूअस 6 महीने की रिटर्न नहीं फाइल करी तो आपको ये इस तरीके का SCN दिया जाता है। ये SCN आपको आएगा फॉर्म REG 17 के अंदर। You are hereby directed to furnish a reply to the notice within 7 working days from the date of service of the notice. जब आपको ये नोटिस रिसीव होगा उस दिन से लेके अगले 7 दिन के अंदर आपको इस नोटिस का रिप्लाई देना होगा। You are hereby directed to appear before the undersigned on 20 अगस्त 2019। तो जो भी आपका जरिस्डिक्शन ऑफिसर है उसको आप मिलेंगे जा करके और अपनी जो भी दिक्कतें हैं रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो आपको रिप्लाई के रूप में देना होगा। इफ यू फेल टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड डेट और फेल टू अपियर फॉर पर्सनल हियरिंग ऑन द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम द केस विल बी डिसाइडेड एक्स पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड मेरिट्स। अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तो जो एक्शन है वो एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। दैट मींस ये मान लिया जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है और डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कार्रवाई जो है वो करेगा। और क्या कार्रवाई होती है उसके बाद? ये होता है सेकंड स्टेप, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप देख पा रहे हैं 7 अगस्त 2019 को ये इशू किया गया, 20 अगस्त तक का डेट दिया गया था जिसका रिप्लाई 20 अगस्त तक नहीं दिया गया। 22 अगस्त को एक दिन के बाद आपका जो कैंसिलेशन है वो आपको ऑर्डर के रूप में दे दिया गया, आपका GST नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत जरूरी है अब अपनी GST रिटर्न्स को फाइल करना और उसके लिए अगर आपके पास कोई नोटिस आ चुका है तो वो जल्द से जल्द सारे काम को छोड़ के आपको सबसे पहले अपनी GST रिटर्न ही फाइल करनी है, नहीं तो आपका GST नंबर कैंसिल हो जाएगा। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया था उसके अंदर क्या चीजें लिखी गई है। दिस हैज रेफरेंस टू योर रिप्लाई डेटेड 21 अगस्त इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस टू सो कॉज डेटेड 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो नोटिस आया उसका रिप्लाई के एवज में ये ऑर्डर इशू किया गया। क्या रिप्लाई है वो देखिए। वेयर एज नो रिप्लाई टू द नोटिस टू द सो कॉज हैज बीन सबमिटेड। जो सो कॉज आया उसका रिप्लाई देना था, चूंकि उसका कोई भी रिप्लाई नहीं गया। वेयर एज ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग यू डिड नॉट अपेयर, और ना ही वहां पे कोई भी फिजिकल हियरिंग हो पाई
एसएससी के एब्सेंस में। द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन इज 1 अगस्त 2018, और उसी दिन से हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है इस पर्टिकुलर जीएसटी का कैंसिल कर दिया गया। डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल पर्सुएंट टू कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन के होने के बाद क्या आपकी लायबिलिटी बनती है, क्या आपका डिमांड बना है, वो सारा डिटेल्स यहां पर दे दिया गया है। अकॉर्डिंगली द अमाउंट पेएबल बाय यू ऑन द कंप्यूटेशन एंड द बेसिस देयर ऑफ इज एज फॉलोज। द अमाउंट डिटरमाइंड एज बीइंग पेएबल अबव और विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अमाउंट दैट मे बी फाउंड टू बी पेएबल बाय यू ऑन द सबमिशन ऑफ फाइनल रिटर्न फर्निश्ड आफ्टर कैंसिलेशन। तो जो आपका फाइनल लायबिलिटी बनेगा वो आपको फाइनल रिटर्न में जमा करनी पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन और बिफोर 1 सितंबर फॉलोइंग विच द अमाउंट विल बी रिकवर्ड इन एक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर। तो जो भी कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर डिमांड दिया गया है, यहाँ पे जीरो डिमांड है, इसीलिए यहाँ पर अभी कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके अंदर भी अमाउंट जो है आपको दिया जाता है कई केसेस में इंटरेस्ट और टैक्स का अमाउंट। तो ये 30 दिन के अंदर आपको जमा करना है, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी जो है गवर्नमेंट और सीबीआईसी इनिशिएट कर देती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुआ, जब ये जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, इसका कैंसिलेशन के बाद फाइल किया गया रिवोकेशन, मतलब हमारा जीएसटी नंबर दोबारा से एक्टिव किया जाए ताकि हम लोग अपनी जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर पाएं। और उसके बाद 1 अक्टूबर को ये रिवोक किया गया, जीएसटी कैंसिल हुआ 22 अगस्त को, उसको 1 अक्टूबर को दोबारा से रिवोक किया गया, रिस्टार्ट कर दिया गया। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमारा ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन है वो, दिस हैज रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन डेटेड 30/9/2019 फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। योर एप्लीकेशन हैज बीन एग्जामिन्ड एंड द सेम हैज बीन फाउंड इन ऑर्डर, अकॉर्डिंगली योर रजिस्ट्रेशन इज रेस्टोर्ड। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है, अब आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन कैंसिलेशन का रिवोक होने के बावजूद भी जीएसटी रिटर्न जो है फाइल नहीं हुई, उसके बाद 30 नवंबर यानी कि कल अब यहां पर समरी ऑफ ऑर्डर इशू कर दिया गया है। दैट मींस डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स के रूप में इनका असेसमेंट कर दिया है, और उसके अंदर डिमांड पेनल्टी इंटरेस्ट सारी चीजें निकाल के ऑर्डर इशू कर दिया है। क्या है वो ऑर्डर, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो कि DRC 07 में इशू किया गया है। ASMT 13 भी इसका इशू किया जाएगा, जिसमें पूरा डिटेल्स समरी का असेसमेंट ऑर्डर दिया जाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल्स ऑफ ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे, कि ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर का डेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर कौन से पीरियड का हमारा ये असेसमेंट किया गया है, बेस्ट जजमेंट के आधार पे जो डेटा उनके पास अवेलेबल है, मतलब ऑफिसर्स के पास। अब उनके पास डेटा कहां से आया, जब हमने कोई चीज की डेटा वहां पर प्रोवाइड ही नहीं करी है, तो उन्होंने क्या करा है, GSTR 2A उठाया, वहां देखा उन्होंने क्या क्या मटेरियल्स परचेज किया गया है, किस किस HSN का मटेरियल्स परचेज हुआ है, और TDS की जो GSTR 7 के रिकॉर्ड्स हैं वहां से उन्होंने पेमेंट देखा कि क्या क्या इनवॉइसेस के ऊपर हमारा TDS कटा हुआ है, अकॉर्डिंगली इन्होंने DRC 07 के अंदर ऑर्डर इशू किया है। यहाँ पे देखा गया है इश्यूज इन्वॉल्व बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62, जो कि बात करता है नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये HSN का डिटेल्स जो है इन्होंने लिया है GSTR 2A के अंदर जो डेटा अपलोड किया गया है उसके बेसिस पे, कि उसके बेसिस पे क्या क्या इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं, तो हमारा सप्लाई जो है इसी से रिलेटेड होना चाहिए। सेक्शन ऑफ जीएसटी एक्ट, यहाँ पे इन्होंने अदर्स लिख दिया है, जो कि बहुत बड़ी गलती इनकी हो सकती है अगर इस ऑर्डर को अपील में जाना हो, क्योंकि यहाँ पर अदर्स लिख करके आप ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। डिटेल्स ऑफ डिमांड के अंदर भी इन्होंने टर्नओवर ही नहीं लिखा कि किस टर्नओवर के ऊपर आप टैक्स निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं एंड पेनल्टी पे करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो टैक्स का अमाउंट है वो डिटरमाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ TDS की अंदर कितना आपका इनवॉइसेस आ रहा है जिस पे TDS कटा हुआ है, अकॉर्डिंगली 18% का GST इंटरेस्ट और पेनल्टी निकाल के सारी चीजें यहाँ पर DRC 07 में भेज दी गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करी है तो अब आप जल्द से जल्द फाइल कर ले, नहीं तो ये समस्या अब आपको फेस करनी पड़ेगी। और GSTR 3B की रिटर्न को फाइल
करने के लिए आप क्लियर टेक्स्ट का टूल बेशक यूज कर सकते हैं, 30 डेज का फ्री ट्रायल है, काफी अच्छे तरीके से उसके अंदर डेटा आप प्रिपेयर कर पाएंगे। साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 3B नहीं फाइल करने से अब DRC 07 के अंदर जो है वो नोटिस इशू किए जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।